मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नगर पंचायत अतरौलिया में 11 मई को नगर पंचायत अध्यक्ष पद और सभासद पद के लिए मतदान हुआ था, जिसको लेकर आज 13 मई को बुढ़नपुर तहसील प्रांगण में मतगणना हो रही थी, जिसमें कि चार चरण में मतगणना का कार्य काफी गहमागहमी के साथ संपन्न हुआ। निकाय चुनाव में अतरौलिया नगर पंचायत से पांचवीं बार सपा ने बाजी मारी, तो वही दूसरे स्थान पर भाजपा के प्रत्याशी धर्मेंद्र निषाद रहे और तीसरे स्थान पर बाकी निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश मध्यसिया रहे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त नजर आई। क्षेत्राधिकारी सिद्धार्थ तोमर व थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मतगणना स्थल पर तैनात रहा। मतगणना स्थल पर पर्याप्त मात्रा में PSC और फोर्स के जवान भी तैनात किए गए थे। मतगणना स्थल के 200 मीटर की दूरी पर किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा होने नहीं दी जा रही थी। प्रशासनिक व्यवस्था के साथ शांतिपूर्ण संपन्न मतगणना हुई। आइए सुनाते हैं कि उपजिलाधिकारी बुढ़नपुर नवीन प्रसाद। सर, बुढ़नपुर तहसील में दो निकाय का चुनाव था, दोनों चुनाव के साथ साथ आज मतगणना का भी कार्य शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, इसके बारे में क्या जानकारी? जी, आज नगर पंचायत अतरौलिया के जो अध्यक्ष और सदस्य पदों के जो चुनाव हुए थे 11 तारीख को, उसकी मतगणना आज तहसील प्रांगण में हुई है और मतगणना शांतिपूर्ण हुआ है। मतगणना के अंतिम परिणाम भी प्राप्त हो चुके हैं। इसके आधार पे जो समाजवादी पार्टी के सुभाष चंद्र प्रत्याशी हैं वो विजेता घोषित हुए हैं। दूसरे स्थान पे भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र हैं, जिन्हें कुल 1891 मत प्राप्त हुए हैं। मतगणना पूरी तरह से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराई गई है। कैजुअल्टी भी हो चुकी है, ऐसे में से चुनौती काफ़ी रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से आपने चुनाव संपन्न कराया, इसके लिए तैयारी क्या है, पहले से क्या? चूँकि इस संबंध में हम लोगों को पर्याप्त तैयारी का समय भी मिला था और ये हम लोगों को अच्छी तरह पता था कि अतरौलिया एक संवेदनशील बूथ है, इसके लिए हम लोगों के द्वारा पहले ही तैयारी कर ली गई थी। मेरे काउंटर पार्ट क्षेत्राधिकारी और संबंधित जो थानाध्यक्ष हैं उनके साथ मिल करके जो भी ऐसे तत्व जो कि मामले को खराब कर सकते थे, माहौल खराब कर सकते थे, उनके विरुद्ध जो भी हमारी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी हम लोगों के द्वारा की गई और इसमें हमें सफलता मिली। इसकी वजह से पूरे इलेक्शन में कहीं भी कोई अप्रिय घटना या कोई अप्रिय समाचार नहीं प्राप्त हुआ है। पूरी इलेक्शन प्रक्रिया शांत और निष्पक्ष तरीके से कराई गई।